अस्सलाम वालेकुम, शगुफ्ता के पकवान में खुश आमदीद। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। वो है चिकन ड्रमस्टिक। रेसिपी देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 6 अदद चिकन ड्रमस्टिक लिए हैं। इन सबको हम अच्छी तरह से किचन टॉवल से पैड ड्राई कर लेंगे ताकि कोई भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो ड्राई हो जाए। इसके बाद मैं चिकन में कट लगाऊंगी। इस स्टेप को बिल्कुल मुझे देखकर फॉलो करिएगा। कट इतना डीप होना चाहिए कि पूरा बोन तक जाए ताकि चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो और अंदर से पूरी कुक भी हो जाए। ये देखिए कट इतने डीप होंगे। अब हम चिकन की मैरिनेशन के लिए मिक्सचर तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने 1/2 कप दही, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून पेपरिका और 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है और 3 टेबलस्पून नींबू का रस और 1/2 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर और 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक केचप लिया है। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एक थिक सा मिक्सचर तैयार हो गया है। थिक मिक्सचर बनाने का ये फ़ायदा होता है कि वो अच्छी तरह से कोट हो जाता है। अब हम सारे चिकन ड्रमस्टिक को मिक्सचर में ऐड करेंगे। अब सब ड्रमस्टिक को दबा दबा कर मसाले में मिक्स करें और ध्यान रखिएगा कि हर कट में मसाला भर जाए। ड्रमस्टिक अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट होने देंगे। ड्रमस्टिक को मैरिनेट हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसमें 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगी ताकि सारा मसाला ड्रम स्टिक पर स्टिक हो जाए और फ्राई करते बिल्कुल पहले ही की तरह अच्छी सी कोटिंग करनी है दबा दबा कर ताकि हर ड्रम स्टिक पर सारा कॉर्नफ्लोर कोट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम फ्राइंग का काम शुरू करते हैं। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं लेना है, चिकन कम ऑयल में ही पक जाएगी और हमें पैन का अच्छा सा गरम होने का वेट करना है। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसमें चिकन ड्रमस्टिक डाल दें और मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हर साइड पे पकाएं। जब एक साइड का कलर चेंज होने लगे तो इसकी साइड चेंज करके फिर से 4 से 5 मिनट तक पकाएं। आपकी मर्ज़ी है आप इस स्टेप को फॉलो करें या ना करें। अगर आपके पास मसाला है बचा हुआ तो आप इसे ब्रश की मदद से ड्रम स्टिक के ऊपर लगा दें। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। जब ड्रम स्टिक दोनों साइड से फ्राई हो जाए तो इसे लो फ्लेम में ढक के स्टीम से पकने दें ताकि चिकन अंदर तक पूरी तरह से कुक हो जाए और बोन में ब्लड भी नहीं आए। हर 2 मिनट बाद आप इसकी साइड चेंज करते रहें ताकि अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार चिकन ड्रमस्टिक तैयार हो चुकी है। आइए अब हम इसे निकालते हैं। सर्व करने से पहले आप इसे पेपर टॉवल में निकाल लें ताकि सारा एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। चलिए चिकन ड्रमस्टिक को अच्छी सी प्रेजेंटेशन के साथ सर्व करते हैं। ड्रमस्टिक के एंड में एल्युमिनियम फॉइल लगा दें ताकि खाते वक्त हाथ साफ रहें और लुक भी अच्छी आएगी। साथ में फ्रेंच फ्राइज और डिपिंग सॉस के साथ सर्व करें। लजीज और जायकेदार चिकन ड्रमस्टिक तैयार हो चुकी है।
आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हम सबका निगेबान। अल्लाह हाफिज़।